करनाल के सांसद अश्विनी चोपड़ा तथा पानीपत की विधायक रोहिता रेवड़ी का स्वागत आज पानीपत के विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में स्वागत समारोह के आयोजन अल सुबह से ही शुरू हो गए थे जो बाद दोपहर तक चलते रहे। आयोजन स्थलों पर विधायक व सांसद ने लोगों की समस्याएं भी सुनी और कुछ स्थानों पर ग्रांट में से कार्य करवाने के लिए धन देने की घोषणाएं भी की। राम मंदिर सभा के द्वारा स्वागत समारोह में प्रधान गणपत खुराना, कृष्ण वधवा, बसंत रामदेव, कृष्ण रेवड़ी, विजय सहगल, शक्ति सिंह रेवड़ी तथा सती भाई साईदास सेवा दल द्वारा स्वागत समारोह के आयोजन में हर भगवान चौधरी, ओम प्रकाश चौधरी, रामलाल चुग, जोगिंदर वधवा, तिलक बठला, मास्टर कृष्ण दास बठला व अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं श्री सनातन धर्म महावीर दल वार्ड 9 में प्रधान हर भगवान नारंग, कश्मीरीलाल जुनेजा, पंकज सेठी, शिव जुनेजा, कैलाश नारंग, दौलत चुग, अशोक चुग, महेश जुनेजा व अन्य सदस्य स्वागत समारोह में मौजूद रहे। मंदिर के सदस्य ध्वजाला उड़ाकर स्वागत कर रहे हैं। जयकारे। हमने चुनाव की शुरुआत आज से 4 साल पहले की थी तो इन्हीं मंदिरों में आकर के शुरुआत की और उसके बाद मुझे याद नहीं कि आखिरी बार मैं शायद जन्माष्टमी के समय में इस मंदिर में आया। एक हनुमान जी का एक भव्य मंदिर है और जैसा कि भी बहुत तेजस्वी भाषण दिया हमारे बुजुर्ग ने, उनका ये कहना था कि इसका नाम पहले संकट मोचन था, अब इसका नाम बदल के ही सही मायनों में शक्ति उनके पास ही है। एक बार मैं सोचता हूँ, मैं अभी 2-3 महीने पहले शाहजहांपुर में एक 132 फुट ऊंचा हनुमान जी का एक बहुत बड़ा एक मूर्ति बनाई वहाँ नदी के बीच में शाहजहांपुर, तो वहाँ पर मैंने जब मैं वो उन्होंने मेरे हाथों से प्राण प्रतिष्ठा से मूर्ति की वहाँ करवाई, मैंने वहाँ पर ये कहा था कि अगर हनुमान जी राम जी के साथ नहीं होते तो राम जी रावण को कभी भी मार नहीं सकते, तो राम जी को भी हनुमान जी की मदद से ही अपना कार्य करना पड़ा और जिस पर हनुमान जी की कृपा हो जाए, जिस पर उनकी कृपा दृष्टि बढ़ जाए, उसका क्या दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और आपको ये हनुमान जी से यहाँ आशीर्वाद भी लेता हूँ, आप सबको भी आशीर्वाद मिलेगा अपनी पार्टी के लिए और हमारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री के लिए, सबसे सबके लिए हनुमान जी के समक्ष ये प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको अपनी शक्ति से 2019 में भी जिता करके आप, ताकि जिस तरह से पिछले 4 वर्षों में हमने आप लोगों की सेवा की। मैं अपने बारे में आपको कहना चाहता हूँ कि मैंने अपना, जैसे कि भी बोल रहे थे कि यहाँ के सेवक, मैं हमेशा कभी नहीं मैंने सोचा कि मैं एक लोकसभा का सदस्य हूँ, मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं, मुझे आप लोगों ने जो चुना है वो एक, जैसे मोदी जी कहते हैं ना, प्रधान सेवक, मैं आप करनाल क्षेत्र का एक प्रथम सेवक हूँ और मेरा यही ईमानदारी से मैंने 4 साल में काम किया, मैंने और मैंने जनता के जहाँ जहाँ मेरे पास लोग आए, अपना भी आता रहा यहाँ पर, तो मेरे पास जो भी लोग आते थे जिनको आज भी मैं मिलता हूँ, जिनकी कोई भी उनको प्रॉब्लम होती है, कोई कष्ट होता है, तो मैं उनका कष्ट निवारण करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि हनुमान जी हम सब लोग कष्ट निवारण करते हैं। जो आपका बदस्सी बनने बहुत लगता है, ये महावीर दल संकट मोचन हनुमान मंदिर शक्तिपीठ में आज हमारे क्षेत्र के सांसद अश्विनी जी चोपड़ा, यहाँ जो बहुत ही बड़ा परमार्थ भवन बन रहा है और हनुमान जी को मस्तक नवाने के लिए वह यहाँ पहुँचे थे कि ये जो बड़े बड़े कार्य महावीर दल सेवा के बड़े बड़े कार्य करता है, गरीब कन्याओं का विवाह, फ्री डिस्पेंसरी, फ्री अलग अलग तरीके की सेवाएँ जो श्री सनातन धर्म महावीर दल की जाती है, उन्होंने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, उन्होंने सभ्य का धन्यवाद किया कि उन्होंने आज हमें हनुमान जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्रदान किया और सभा के सभी सेवकों ने पूज्य श्री हरभगवान जी नारंग, अशोक जी चुग, हमारे शिव जी, पंकज जी सेठी, मिलकर सभी सेवकों ने उनका स्वागत किया, उनका यहाँ पधारने पर उनका
धन्यवाद भी किया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सुरेंद्र रेवड़ी जी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे जो सरकारी हो श्री के एल दादा साहब और हमारे श्री वो भी आएंगे। सभी से प्रार्थना है किसी का मैं आएंगे श्री तिलक प्रसाद जी और श्री तिलक राज जी को श्री मुकेश जी हमारे श्री रामदास जी को श्री अमिताभ जी को स्वागत कर रहे हैं और हमारे संस्था के अंदर कुछ ना कुछ देखे जाएंगे। और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन होगा कि आज मैं अपने समाज के अंदर मैं आप लोगों को यहाँ लेके आया हूँ। और हमारे सांसद जी जितने काफी समय से कह रहे थे कि मैं सदैव इंसान रत्न जरूर जाना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो प्याऊ का काम किया है, इतने प्यासे इतने ऐसे व्यक्ति को पानी नहीं पी सकते, पानी की बोतल 20-20 रुपए में लेनी पड़ती थी, अब किसी को 20 रुपए की पानी की बोतल नहीं लेनी पड़ती। मैं फिर दोबारा से समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद कि हमारे इस समाज से सबसे जो बड़े बुजुर्ग हैं मेरे नाना जी जीवन दास बटला जी, मैं उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। परम पिता परमात्मा से उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए और उनके स्वास्थ्य की मैं मनोकामना मांगता हूँ। सबसे पहले जाकर के श्री वंदन के सभी पदाधिकारी बन यहाँ पर मौजूद हमारी विधायिका रीता देवी जी, हमारी सुनीता देवी जी, हमारी पार्षद, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे सुनीता जी और हमारे सभी अन्य गणमान्य व्यक्तिगण जय समूह बैठक के सभी मैं पानीपत बदलाव आता था, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि ये सचमुच में करण का ही स्थान है। जिस तरह से करण जो था वो सेवा करनाल सांसद अश्विनी चोपड़ा जी का आज हमारे सती भाई साईंदा सेवा दल पानीपत में आज प्रोग्राम बनाया गया, उनकी तरफ से हमारे उनका स्वागत किया गया। सेवा दल की तरफ से सब मेंबरों ने उनका स्वागत किया, जिसमें शहरी विधायिका रोहिता रेवड़ी जी, सुरेंद्र रेवड़ी जी, गजेंद्र सलूजा जी, रविंद्र भाटिया जी उनके साथ है। हमारे सेवा दल की तरफ से
किए गए कार्यों की उन्होंने सराहना की। जगह जगह प्याऊ लग रहे हैं, फ्री डिस्पेंसरी चल रही है, आँखों की ओपीडी चल रही है, आँखों के ऑपरेशन करते हैं, तो लैब का प्रोग्राम चल रहा है, डॉक्टर बैठे हैं, फिजियोथेरेपी के चल रहे हैं। तो एमपी साहब ने हमारे कार्यों की सराहना की और अपनी तरफ से आशीर्वाद दिया। क्या नाम आपका? ओम चौधरी, प्रधान सचिव फाइनेंस। हमारे पूज्य सांसद श्री अश्विनी जी चोपड़ा, जो हमारे करनाल संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं, आज वो हमारे प्रांगण में आए, उनके आने पर हमें बड़ी खुशी हुई। और उन्होंने आके हमारे प्रांगण में सब कुछ चेक किया कि भाई ये लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। हम लोग जो हैं, जैसे फ्री डिस्पेंसरी चल रही है, आई कैंप का भी चल रहा है, साल के अंदर एक बार हम फ्री कैंप, फ्री ऑपरेशन भी करते हैं, बाकी भी सारा साल जो है एकदम रिजनेबल रेट पर सिर्फ 2500 रुपये में आई कैंप का आई ऑपरेशन भी करते हैं। इसके अलावा हमारे जो है 5 टैंकर पानी के भी हैं, जो जिस मोहल्लों में पानी नहीं पहुंचता या जिन मोहल्लों में पानी की सख्त ज़रूरत होती है, वहाँ से हमें फ़ोन आ जाता है तो फ्री पानी का टैंकर भेजते हैं। पानीपत की कोई भी संस्था हो, किसी भी संस्था में कोई भी कार्यक्रम हो, तो वो हम लोगों को फ़ोन करते हैं, हम लोग पानी का टैंकर भेज देते हैं। हमारे जो है पूरे पानीपत के अंदर इस टाइम 24 प्याऊ लग चुके हैं, जो चिल्ड वाटर देते हैं और साथ साथ में आरओ का पानी देते हैं। इसी तरीके सांसद जी को ये बात सुन के बड़ी खुशी हुई और उन्होंने 2-3 प्याऊ देखे भी सही हैं, तो इस वजह से वो भी खुश हुए और उन्होंने अपने आप से, अपनी ओर से हमें आर्थिक सहायता देने के लिए आश्वासन। क्या नाम आपका? कृष्ण चौब। आए हो स्वागत करेंगे उदास जी और पूरी माता सभी वृंदा सभी आगे आगे के स्वागत करेंगे का स्वागत करेंगे रोहिता रेवड़ी जी का स्वागत करते हुए श्री सुरेंद्र जी रेवड़ी श्री रविंद्र जी रेवड़ी का भी स्वागत की अश्विनी का करते हुए विचार और आकर के अभिनंदन साथ हो गए सभी इधर देंगे जिनका बड़ा ही पुराना रिश्ता है के दर्शन के लिए यहाँ पधारे और उनके साथ साथ में हमारी
शहरी विधायिका श्रीमती रोहिता रेवड़ी जी, जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद जी विज और श्री गजेंद्र जी सलूजा और साथ साथ में कई कार्यकर्ता यहाँ पधारे, जिनका भगवान के चरणों में प्रेम और भगवान के दर्शन के लिए भगवान के चरणों में श्रद्धापूर्वक उन्होंने अपना सर झुकाया। और साथ साथ में हमारी पूरी सभा श्री राम मंदिर वार्ड नंबर 7 की पूरी सभा ने, हमारे सभा प्रधान गणपत खुराना जी, सभी ने मिलकर के उनका पूर्ण रूप से तह दिल से स्वागत किया। हमारे अश्विनी चोपड़ा जी का, श्रीमती विधायिका रोहिता रेवड़ी जी और हमारे भैया सुरेंद्र रेवड़ी जी, सभी का पूर्ण रूप से, प्रमोद विज जी पूर्ण रूप से सभी का स्वागत। हमारी पार्षद श्रीमती स्वीता रामदेव जी वह भी यहाँ पधारी, तो हमारी पूरी सभा ने सनातन धर्म सभा श्री राम मंदिर वार्ड नंबर 7, जो सबसे प्राचीन मंदिर इस पानीपत का है और यह हैदराबादियों की एक शान है यह मंदिर, तो आज इस हैदराबादी बिरादरी के इस मंदिर के अंदर हमारे सांसद महोदय जो यहाँ पधारे हैं उनका पूर्ण रूप से उनका स्वागत हुआ और साथ साथ में उनके लंगर प्रसाद की व्यवस्था भी श्री राम मंदिर वार्ड नंबर 7 सभा की ओर से की गई। और इसमें मुख्य रूप से हमारे प्रधान गणपत खुराना जी, महासचिव श्री किशन जी वधवा, वरिष्ठ प्रधान कोटू जी जुनेजा, हमारे बलराज जी मेहंदीरता, दिनेश खुराना जी, पंकज आहूजा और सोन रेवड़ी जी, बसंत रामदेव जी, दविंदर रेवड़ी जी, जवाहर जुनेजा जी और अवतार सिंह बठला जी, सभी ने मिल करके, सभी के नाम तो अभी नहीं ले सकते, हमारे श्री जुनवीर रेवड़ी जी, सभी ने मिल करके पूरी सभा ने तन मन धन से अपना सहयोग दिया। और आशा रखते हैं कि आगे भी इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम होगा तो हम इन भाजपा कार्यकर्ताओं से यही आशा रखते हैं कि हमें पूरा सहयोग देंगे और हमारी सभा भी उनका 24 घंटे उनके वेलकम के लिए तैयार रहेगी।